और कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका GTA 5 के और एक नए एपिसोड में। तो हाँ, आ चुका है GTA 5 का एक नया एपिसोड। महीनों बाद, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी लेट हूँ, क्योंकि बीच में मैं कुछ अलग अलग कंटेंट डालने लगा था, पर चलो यार फिर से शुरू करते हैं इस GTA सीरीज़ को। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास हूँ। एंड हाँ, इन्होंने मुझे बुलाया था, हमारी कुछ हरकतें ही ऐसी थी कि हम पकड़े गए। तो अभी यार इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने मुझे एक फ़ाइनल वार्निंग देकर छोड़ा है कि ऐसा काम मत करो और मिस्टर माइकल आपको एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना होगा जो कि शायद मुश्किल है, क्योंकि गेम का नाम है GTA 5 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो यार गेम में यह सब तो चलता है। तो गाइज यार, हुआ कुछ ऐसा था कि हमने कुछ गाड़ियाँ चुराई थी कार शो से एंड हम पकड़े गए। हाँ, उसमें GPS लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया और हम पकड़े गए, और फिर हमारे ऊपर काफ़ी लंबी कार्रवाई चली। और जैसा कि मैंने बताया, एक फाइनल वार्निंग के बाद हमें छोड़ा गया है। अब इस टाइम पे यार मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, घर भी वही है एंड थोड़ा हाल ख़राब है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज का दिन काफ़ी ख़राब गया है यार, और ये गाड़ी भी आप देख सकते हो, ये मैंने ऐसे किसी की रेंडम बंदे की गाड़ी उठा ली थी, जिसके वजह से यार अभी मेरे पास कोई पर्सनल कार है नहीं, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड मैं अभी रोड पे आ चुका हूँ, मतलब हाँ मैं अभी रोड पे हूँ, पर मैं रियली रोड पे भी आ चुका हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि यार मैं अभी घर जाऊँगा एंड थोड़ा आराम करूँगा, एंड उसके बाद मैं हो सकता है गाड़ी खरीदने को जाऊँ, क्योंकि यार एक गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी यार ढंग की कोई गाड़ी है नहीं अपने पास, और बिना गाड़ी के यार ऐसे रैंडम गाड़ियाँ चलाना लोगों की अच्छी लगती नहीं है मुझे। जैसे कि आप ये गाड़ी भी देख सकते हो, यार ये गाड़ी भी अच्छी है, बट एक पर्सनल कार होनी चाहिए। तो चलो यार, ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पे। ओके यार, तो अभी फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, एंड फिलहाल यार ये वाली रेड कार जो है वो हमारे पास है ओनली, और यहाँ पे एक अंदर पे ये शायद से जिमी की गाड़ी है, जो कि वो लेके आया पता नहीं कहाँ से। एंड इस गाड़ी, ओके एक मिनट, हाँ ये जिमी की गाड़ी है यार, मतलब वो घर पे होगा, मतलब ऐसा होता नहीं है, पर चलो देखते हैं जैसा भी हो। अभी ये गाड़ी यहीं पार्क कर देता हूँ एंड मैं चलता हूँ यार सोने के लिए, क्योंकि भाई आज का दिन रियली बहुत ख़राब रहा है एंड मुझे लगता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है मुझे मतलब माइकल को, एंड उसके बाद हम एक अच्छी गाड़ी देखने को जाएंगे, क्योंकि यार हमारे पास सब कुछ पैसे होने चाहिए जो कि लेस्टर के मिशन से हमें मिल गए थे। तो यार उन्हीं पैसों का यूज़ करके हम एक नई गाड़ी लेंगे, एंड अभी कुछ ऐसा हम कर नहीं सकते यार, कुछ ऐसी चोरी वोरी गाड़ी की, क्योंकि यार अभी हम बिल्कुल नज़र पे हैं उन पुलिस वालों के। एक मिनट में जिमी को देख लेता हूँ, यार ये नहीं है, एंड ये हैरानी की बात है कि उसकी गाड़ी है घर पे एंड वो खुद नहीं है। खैर चलो यार, जैसा होगा अभी देखते हैं, फिलहाल थोड़ी हमें आराम की ज़रूरत है। तो चलो भाई, थोड़ा माइकल सो जाओ यार आराम से। ओके, तो भाई ने एक मस्त झपकी मार ली है नींद की, एंड अभी यार हम चलेंगे। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये वही वही सेम सेम सा लग रहा है। तो चलो खैर, एक बार देख लूँगा मैं इस तरफ, है ना, चेंजिंग रूम। ओके खैर यार, एक बार मैं देखना चाहता हूँ इधर कुछ खिड़की के बाहर दिखता है क्या, देखा जाए। नहीं, कुछ नहीं है, मुझे लगा कोई कुछ दिखेगा बाहर के नज़ारे। कोई बात नहीं, थोड़ा अपने ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। चल भाई इधर चलना, उधर कहाँ जा रहा है। ओके, तो यार अभी हमने पहन रखा है एक ग्रे सूट, जो कि ऊपर से नीचे तक सेम है। मैं देखता हूँ सूट्स पे क्या है, उसके बाद हम चलेंगे फटाफट से। ब्लैक, हाँ भाई ये सही लग रहा है, यही कर लेते हैं कंफर्म। एक ब्लू टाइप का, नहीं, ब्लैक अच्छा लग रहा है भाई, ब्लैक लेके चलते हैं। ब्लैक है बाहर एंड नीचे ग्रे है, सही है भाई, एंड बीच में एक ब्लू शर्ट है। ओके तो यार अभी चलते हैं, मुझे लगता तो नहीं कोई आया होगा, तो फटाफट निकल लेते हैं यार। एंड वैसे यार अभी मैं बताता हूँ मैं कौन सी गाड़ी देखना चाह रहा हूँ। यार मेरी जो गाड़ी मैंने सेलेक्ट की है, सोची है, वो है एक BMW, ठीक है, BMW M5। तो उसको हम देखेंगे, वैसे शायद वहाँ पे होगी नहीं वो गाड़ी, तो हमें उसे मंगाना होगा ऑर्डर करके। एंड ये रही अपनी वो काली वाली गाड़ी, अभी इस गाड़ी से चलते हैं यार। ये माइकल की अपनी कार है शायद से, हाँ अमेंडा की दूसरी गाड़ी थी, एंड जिमी की उधर है, एंड ट्रेसी की शायद एक कार कुछ, हाँ एक शायद से एक ट्रेसी की भी कार है। लेकिन यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, माइकल के पास एक अपनी ब्लैक वाली कार थी, एंड पता नहीं यार, खैर छोड़ो, अब माइकल की तो यार अपनी गाड़ी होने वाली है। तो फिलहाल यार अभी हमें चलना है यहाँ पे प्रीमियम डीलक्स मोटर, हाँ ये वही जगह है जहाँ पे फ्रैंकलिन ने शोरूम के अंदर पूरा ग्लास फोड़ कर एक कार घुसा दिया था। एंड भाई वो बहुत क्रेजी था, क्योंकि माइकल ने उसके बंदूक तान रखी थी। खैर यार, ओ भाई साहब मैं बहुत गलत गाड़ी चला रहा हूँ यार। ओके चलो अभी थोड़ा ड्राइविंग पे फोकस करते हैं एंड चलते हैं यार फटाफट वहाँ पे। ओके यार, तो अभी मैं कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ प्रीमियम डीलक्स मोटर पे। एंड यार मुझे जाते जाते एक चीज़ याद आ गई कि यार अगर मैंने जो गाड़ी बुक करने की सोची है
वो अगर मेरे पास जो पैसे उससे ज़्यादा हुए तो यार दिक्कत हो सकती है। एंड भाई थोड़ा और पावर होता तो मज़ा आता यार, थोड़ा सा मतलब और अच्छा ड्रिफ्ट हो सकता था मुझे लगता है। खैर यार मैं उम्मीद करता हूँ कि यार वो भाई थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ यार मैं जो गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ वो मेरे बजट में आ जाए, वरना भाई वहीं पर दिल टूट जाएगा, बेइज्जती होगी यार वो अलग शोरूम में। एंड यार उस शोरूम वाले से भाई हमारी लड़ाई भी हुई थी पहले तो। खैर कोई बात नहीं, अभी कुछ टर्न्स बचे हैं एंड उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर से एक सीधा जाना है हमें एंड शायद से मुझे एक राइट टर्न लेना है एंड हमारे सामने होगा प्रीमियम डीलक्स मोटर। हाँ हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे एंड भाई साहब देख सकते हो भाई क्या ही सामने के पूरे ग्लास टूट रखे हैं यार, ऐसा हमने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाया था। भाई साहब थोड़ा और पावर हो जाए तो भाई मज़ा आएगा ये छोटी छोटी जो टर्न्स हैं यहाँ पर भी ड्रिफ्ट लेने में। ओके ओके गाइस तो हम पहुंच चुके हैं, मैं कैमरा स्विच कर लेता हूं वरना पता चला इनकी खड़ी गाड़ियों पे हम अपनी गाड़ी ठोक दें, ये अच्छा नहीं होगा यार। हमारे ऊपर जो फाइन लगेगा वो अलग एंड गाड़ी की कॉस्ट अलग है। भाई मेरा अभी यहीं पे हालत ख़राब हो रखा है कि यार अगर अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी का बजट जो है वो मेरे बजट से ज़्यादा निकला, मतलब गाड़ी का जो प्राइस है वो ज़्यादा निकला, दिक्कत हो जाएगी। भाई ये गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो ये गाड़ी याद रखो ये वही गाड़ी है जो कि येलो रंग में थी, जिसे ग्लास से हमने फोड़ के इंटर कराया था। ओके चलो यार इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारी BMW कब तक आने वाली है। ओके दोस्तों तो यार फाइनली हमारी बातचीत हो गई है, हमें गाड़ी कल मिल जाएगी, मतलब कल तक एकदम बिल्कुल पक्का मिलने की उम्मीद है हमें। एंड प्राइस की बात रही तो यार प्राइस भी सही रहा, मतलब मेरे बजट में आ गया गाड़ी एंड मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर फिलहाल आप देख सकते हो, आपने तो देखा ही होगा ये पीछे का एंड ये कुछ गाड़ी जो रेडी रहती हैं, ये कस्टमर्स की शायद वो गाड़ी हैं जो फाइनल हैं एंड कस्टमर आके इसे ले जाएंगे। एंड हाँ ये पीछे वर्कशॉप था एंड यार अब देखो अभी मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं चलता हूँ यार फ्रैंकलिन के पास एंड उसे थोड़ा बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ मेरे साथ, ताकि उसे भी थोड़ा पता लगे कि भाई माइकल की हाल थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है अभी। यार ये रही अपनी गाड़ी, ये उठाते हैं एंड चलते हैं भाई फ्रैंकलिन के पास अभी। ओके दोस्तों तो यार मैं भी जा ही रहा था एंड कुछ देर में पहुंचने ही वाला था फ्रैंकलिन के पास एंड मुझे याद आया कि क्या होगा अगर वो घर पे ना हुआ, क्योंकि यार मैं उसे बिना कॉल किए जा रहा हूँ। खैर छोड़ो यार मैं जाके उसे कॉल कर लूँगा, वो घर पे ही रहता है जहाँ तक मुझे लगता है, अगर नहीं हुआ तो भाई कॉल करके उसे बुला लेंगे। और यार मैं सोच रहा हूँ गाड़ी के बाद अब यार मुझे घर भी बदलना चाहिए, क्योंकि भाई घर वही वाला है एंड थोड़ा मुझे लगता है कि अब घर थोड़ा अच्छा बड़ा होना चाहिए। खैर अभी मैं फ्रैंकलिन से मिलूंगा, उसे सारी चीज़ों को बताऊंगा एंड उसके बाद देखता हूँ यार वो क्या अपनी तरफ से एडवाइस देता है। अरे टैक्सी वाले भैया खैर गलती मेरी थी यार, छोड़ दो रहने दो। एंड यार मैं मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया यार, मतलब हाँ खैर ये ऐसी कुछ जगह थी, मैं थोड़ा भूल गया हूँ यार, वाइनवुड हिल याद है बस, शायद मुझे यहाँ पर से ऊपर जाना चाहिए एंड हाँ इसके आगे उसका घर मिल जाना चाहिए। ओके यार तो मुझे रास्ता याद आ गया एंड मैं पहुंचने वाला हूं उसके घर पे। एंड यार उसके घर भाई ढूंढना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसके घर के बाहर एक फरारी, एक ऑडी और एक बुगाटी खड़ी रहती है। खैर यार इसके आगे है। ओके ओके भाई इस लाइन पे सेम ऐसे ही घर है ना, देखो भाई मुझे लगा यही है। खैर नहीं नहीं आगे वाला है, आगे वाला, हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक मिनट, वेट 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 गाइस, इसकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? नहीं नहीं ये अंदर भाई तीन के तीन गाड़ियाँ तो अंदर नहीं आ सकती थी। भाई साहब इसकी गाड़ियाँ अभी तो नहीं चली गई। एक मिनट भाई साहब, भाई ये तो भाई बहुत गलत हुआ, मुझे लगा था यार मैं अकेला हूँ, लेकिन एक मिनट यार इस आदमी से पूछना होगा, अभी फाइनल मैं कुछ कह नहीं सकता। एक मिनट, ओ ये नहीं है घर पे, घर लॉक है। खैर इस वाले रास्ते से चलते हैं नीचे एंड इसको मैं फटाफट फ़ोन करके बुलाता हूँ। और गाइज मुझे इस टाइम पर बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि यार अगर इसकी गाड़ियों को पुलिस ने ले लिया है तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यार इसने कार शो से पहले गाड़ियाँ चुराई थी, तो ये काफ़ी यार मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात है। खैर इसको फटाफट मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ अभी। चलो तो मैंने कॉल लगा दिया है, फटाफट ये बंदा उठा ले और जल्दी से आ जाए यहाँ पे। चलो भाई साहब जल्दी आ जा। ओके वो आने वाला है। ओके यार तो उसने बोला कि वो बहुत जल्द आ जाएगा एंड वो कहीं यहीं कहीं था बोला उसने। भाई शाम हो रखी है, भाई अच्छा सनसेट हो रहा है, लेकिन यार अभी जो मेरे मन में सवाल है भाई साहब, एंड चलो यार ये कहाँ रह गया। ओ भाई साहब ये पीछे आ रखा है एंड ये भाई साहब इतनी दूर चल के नहीं आ सकता यार, क्या तू बिल्कुल अजीब बात नहीं यार, इसे घर पे आया हूँ कॉल कर रहा हूँ। खैर यार चलो इससे फटाफट अभी बात कर लेता हूँ मैं। ओके गाइस तो यार अभी मेरी इससे बात हो रखी है एंड जैसा कि हमारे साथ हुआ था एंड हमने जैसा कि सोचा था इसके साथ भी अभी वही हुआ है, इसकी गाड़ियों को पुलिस ने ले लिया एंड इसे भी एक अच्छी वार्निंग मिल चुकी है कि भाई ये सब करना छोड़ दे। तो यार ये तो अच्छा रहा कि हमने गाड़ियों पे कोई चेंज नहीं किया था एंड हमने गाड़ियों को बेचा नहीं था, जिस वजह से यार हमें कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि जो गाड़ी हमने लाई थी उन्हें वो गाड़ी मिल गई। और यार अभी कुछ सीन ऐसा यार कि हमारे हाल जो है वो दोनों की सेम है,
खैर अभी फ्रैंकलिन के पास कोई ढंग की बिल्कुल भी गाड़ी नहीं है, माइकल ने तो एक अपनी गाड़ी ले भी ली है, तो यार कल हो सकता है बीएमडब्ल्यू हमें मिल जाए एंड हम जाके उसे ले लेंगे। और यार घर के मामले में फ्रैंकलिन ने बोला है कि यार माइकल को एक नया घर ले ही लेना चाहिए, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि कल अपनी नई गाड़ी के साथ अपना घर भी देखने को चलेंगे एंड सब कुछ सही रहा तो यार एक फ्रैंकलिन के लिए भी हम गाड़ी जरूर लेंगे। एंड हाँ यार कमेंट में बता देना कि फ्रैंकलिन के लिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, माइकल के पास तो अपनी बीएमडब्ल्यू होने वाली है। ओके गाइस, तो यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। तो यार मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नए वीडियो में GTA 5 के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।